नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। अभी 3-4 दिन से मैंने कोई जॉब से रिलेटेड कोई वैकेंसी डाली नहीं है, तो अभी मेरे पास मोबाइल में काफ़ी 4-5 दिन से मैसेज आए पड़े थे तो मैं डाल नहीं पाया, तो कुछ 2-4 वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें देखिए भाई, होता क्या है कि मेरे पास मोबाइल में वैकेंसीज आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसमें फायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आप इंडिया में हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप दुबई बैठे हो, खास तौर से दुबई में यहाँ से लोग विजिट में जाते हैं या फिर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर वो अपने तरीके से विजिट में चले जाते हैं, उनको जॉब नहीं है उनके पास या नहीं मिल पा रहा है, वो काफ़ी टाइम से वहाँ बैठे हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर लेने के बाद में। ठीक है, तो आपसे जॉब आपका कोई भी कैटेगरी का हो, जरूरी नहीं होता कि जो मैं बताता हूँ वही जॉब, ऑल एक्स वाई जेड कोई भी आपकी जॉब हो, वहाँ दुबई बैठे भी आप वहाँ ऑफिस में जाके कॉन्टेक्ट नंबर लेके वहाँ से अपना जॉब आप सर्च करके अपना जॉब लग सकता है आपका। ठीक है, तो कुछ वैकेंसी है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, इसमें इलेक्ट्रिशियन का जॉब आया हुआ है और वेल्डर का जॉब आया हुआ है। ठीक है साथियों, आबू धाबी में ये जॉब आपको मिलेगा। सैलरी की बात करूं मैं बता दूं, सैलरी 1200 से 1800 एटी है। 1200 से 1800 का मतलब ये हो गया भाई, जो इंडियन एक्सपीरियंस्ड है उनको 1200 मिल जाएगी, 1200 1300 1400 तक होता है। बाकी मान लीजिए आपको अदर कंट्री का अनुभव है या फिर आप वहीं पे बैठे हैं, वहीं आप जॉब लेना चाहते हैं, इसी काम में आपको ये काम आ रहा है, पहले से काम कर रहे होंगे या जो भी आपका है, उसमें आपको 1800 तक सैलरी मिल सकती है। यानी 1200 से लेके 2400 तक आपको सैलरी मिल सकती है, यानी 24,000 से लेके 40-45 हज़ार तक का भी इसमें ऑप्शन आता है। वो ज़्यादा सैलरी होगी अदर कंट्री एक्सपीरियंस के आधार पे, फ्रेश बंदे को 1200-1300 सैलरी मिल जाती है। बेनिफिट में आपको रहना मिल जाता है, अकोमोडेशन आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब आपको मिल जाता है, जुम्मे की छुट्टी होती है, आप सबको इन चीज़ों का पता होता है। लोकेशन की बात करूं, जॉब लोकेशन अबू धाबी में ये जॉब रहेगा। अगर आप अबू धाबी के आसपास के बंदे हो, वहां आपको जॉब लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के बंदे यहाँ हैं तो यहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें, पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाली, तीन कंट्रियों के बंदे अगर आप हो जिसमें आप पाकिस्तानी, नेपाली और इंडियन, तीनों कैटेगरी तीनों कंट्रियों के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, खाना इसमें आपका खुद का रहेगा, खाना बना के खाना होता है, कंपनी आपको मेस वगैरह अवेलेबल करवा देती है, बर्तन भांडे जो होता है वो आपको मिल जाता है, बाकी आपको खाना खुद से बना के खाना होता है। तो साथियों, दुबई से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर के ये जॉब है। वेल्डर में 3G, 4G, 6G अलग अलग कैटेगरी के जॉब होते हैं। इलेक्ट्रिशियन में भी जिनको अच्छा काम आता है, जैसे 1200 में नॉर्मल कैटेगरी का बंदा हो गया, उसको जैसे ड्राइंग पे काम आता है, ड्राइंग दे दिया जाता है उस पर वो काम करता है, तो उसकी सैलरी ठीक लग जाती है, तो ये उनको बेनिफिट हो जाता है। तो ये जॉब भी है, इसमें आप अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट आप मैन पावर के थ्रू भी आप जा सकते हैं, दुबई के बंदे भी वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इंक्वायरी दे दी, ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो नंबर लेके आप बात कर सकते हैं। यहां से अगर दुबई इंडिया से जाते हो तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और पहले से दुबई हो तो वहां पे आपका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन उसको दबा दीजिए, ताकि हर रोज इसी तरीके से टॉपिक पे आपको सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।